हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 1993 की स्लीवर एक थ्रिलर मिस्ट्री मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मूवी में हमारी मेन कैरेक्टर बिल्डिंग में मूव होती है, पर ये बिल्डिंग बहुत ही अजीब है। मूवी जैसे प्रोग्रेस होती है तो बहुत ही अजीब और गरीब चीजें उसे पता चलती है। तो चलिए इस मूवी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और एक लड़की अपनी बालकनी में खड़ी होती है। उसके पास एक आदमी आता है और उसे पुश कर देता है। ये जो इंसिडेंट हुआ था, इसे अब कुछ दिन गुजर चुके हैं। जिस अपार्टमेंट में इंसिडेंट हुआ है, उसी अपार्टमेंट को हमारी मेन कैरेक्टर, जिसका नाम है कार्ली, ये अब देख रही है। उसके एजेंट उसे सब कुछ घर के बारे में बताती है और कार्ली को भी ये घर बहुत पसंद आता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कार्ली जब काम पर होती है, तब उसे कॉल आता है। इस घर को बाय करने के लिए उसका एप्लीकेशन अप्रूव हो चुका है। ये एप्लीकेशन इतनी जल्दी अप्रूव हो जाएगा, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि कभी भी इतनी जल्दी नहीं होता। कार्ली फिर अपना सब सामान लेकर उस फ्लैट में मूव होने के लिए रेडी होती है। वो अपना सामान लेकर जा रही थी, पर उसके दोनों हैंड एंगेज थे। डोरमैन कहीं भी आसपास नहीं था, तभी हमारा और एक मेन कैरेक्टर, जिसका नाम है जेक, ये डोर ओपन करने में उसे मदद करता है। जेक उसे कहता है कि आसपास का एरिया मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से पता है, अगर तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए तो मैं तुम्हें कर सकता हूँ। कार्ली भी इसके लिए थैंकफुल है। कार्ली के नीचे वाले फ्लोर पर ही जेक रहता है। कार्ली एक दिन सुपर शॉप में कुछ बाय कर रही होती है, तभी बहुत ही इंट्रिक से उसे एक बूढ़ा आदमी, जिसका नाम है एलेक्स, ये देख रहा होता है। ये उससे बात करता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारी बिल्डिंग में रहता हूँ। कार्ली सब बाय कर आगे चलती है, तो उसका पीछा फिर से एलेक्स करता है। एलेक्स कहता है कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा, पर तुम्हारे फ्लैट में जो पहले रहती थी, तुम उसी की तरह दिखती हो। मूवी के फर्स्ट में जिस लड़की को बिल्डिंग से धक्का दिया गया था, उसका नाम था नियोमी सिंगर। एलेक्स कार्ली को कहता है कि तुम नियोमी की तरह ही दिखती हो। एलेक्स और नियोमी एक दूसरे के बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे। नियोमी की जब डेथ हुई तो सबको लगा कि उसने सुसाइड की है। बिल्डिंग में सब लोगों का सवाल होता है कि उसने ऐसा क्यों किया। एलेक्स और कार्ली और भी बातें करते हैं। एलेक्स एक प्रोफेसर है जो टीचिंग करने के लिए एक नई सिटी में जाने वाला है। अगले कुछ सीन में कार्ली अपने घर पर है और अपने सब काम कर रही है। वो जब शॉवर ले रही है, तब हम देखते हैं कि उससे कोई रिकॉर्ड कर रहा है। हमें बहुत सारे मॉनिटर्स देखते हैं और सब कुछ बिल्डिंग में रिकॉर्ड हो रहा है। अभी रिकॉर्डिंग कर कौन रहा है, ये हमें आगे पता चलेगा। नियोमी बहुत सालों से एक रिलेशनशिप में थी, वो टॉक्सिक बन चुकी थी, तो उसने अब ब्रेकअप कर लिया है। इसी वजह से वो अपना न्यू अपार्टमेंट वगैरह देखती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नियोमी को उसका बॉस लंच के लिए लेकर जाता है। यहाँ पर एक आदमी से उसे वो मिलवाता है। इस आदमी का नाम है जाय और एक राइटर है। इसने कुछ बुक्स लिखी थी और इसी वजह से मिलीनियर हो गया। अब बहुत सालों से कुछ नया लिखने के लिए वो स्ट्रगल कर रहा है। बॉस जैक से कहता है कार्ली ने तुम्हारी बुक्स पढ़ी है, उसे पसंद आई। एक झूठ था, तो कार्ली वही के वही उसे क्लियर कर देती है। वो कहती है कि मैंने अभी तक तुम्हारी कोई भी बुक नहीं पढ़ी। जैक कहता है तुम पढ़ोगी, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। कार्ली का बर्ताव देखकर उसके बॉस जैक से कहते हैं कि कार्ली को कंट्रोल में रहना अच्छा लगता है। कार्ली इस पर जरा गुस्सा हो जाती है। ये लंच यही खत्म होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कार्ली अपनी और एक नेबर से मिलती है। इसका नाम है वाइडा। वाइडा एक मॉडल है। कार्ली घर पर आती है, तब उसके लिए एज अ गिफ्ट एक टेलीस्कोप कोई रख कर गया है। एक कार्ड भी इसके साथ है, पर ये किसने दिया है उसका नाम उस पर नहीं है। इसमें सिर्फ लिखा है कि तुम्हारा सीक्रेट एडमायरर में हूँ। नेक्स्ट डे कार्ली जब जॉगिंग के लिए जाती है, तो अचानक से जैक उसके सामने आ जाता है। जैक कार्ली की बिल्डिंग में रहता है। कार्ली बहुत ही डर जाती है। जैक भी उसे अपोलोजाइज करता है। जैक ने कार्ली को बुक सेंड किए थे, उसके बारे में जैक उससे पूछता है। कार्ली कहती कि मैंने अभी तक पढ़े नहीं है। जैक बोलता है कि तुमने पढ़े तो होंगी। कार्ली बोलती कि एक दो पेजेस मैंने पढ़े। जैक उसे फिर से अपोलोजाइज करता है। वो कहता है कि हम दोनों की मीटिंग सही से नहीं हो पाई थी। जैक जरा पुशी और कंट्रोलिंग कैरेक्टर है। कार्ली को कोई कंट्रोल करे उसे पसंद नहीं है। ये दोनों आगे जॉग करते हैं, तो कार्ली उससे पूछती है क्या तुमने मुझे टेलीस्कोप भेजा था। जैक कहता है कि नहीं। जॉग कर कार्ली जब बिल्डिंग तक आती है, तो वहाँ एम्बुलेंस और पुलिस है। कार्ली को फिर पता चलता है ओल्ड मैन यानी कि एलेक्स इसकी डेथ हो चुकी है। शॉवर में था, नीचे गिरने की वजह से वो मर चुका है। कार्ली को बहुत बुरा लगता है। एक दिन कार्ली अपनी टेलीस्कोप से सब देख रही होती है। वो स्ट्रीट पर देखती है, तब उसके नेबर वाइडा और जैक एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इनके बात करने के तरीके से लगता है कि दोनों रिलेशनशिप में हैं। जैक वाइडा को पैसे दे रहा है, ये भी वो देखती है। कार्ली को सब लोग कहते हैं कि वो नियोमी की तरह दिखती थी। पुराना न्यूज़पेपर निकालती है और उसमें उसकी फोटो देखती है। वो सरप्राइज्ड होती है क्योंकि नियोमी और उसमें बहुत सारी सिमिलरिटीज है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कार्ली ने एक पार्टी रखी है। उसके कुछ कलीग्स और बिल्डिंग में कुछ लोगों को जानती है, इन सबको उसने बुलाया है। उसने जैक को इनवाइट नहीं किया था, पर फिर भी वो यहाँ आ चुका है। इस पार्टी में कोई टेलीस्कोप से देखता है और एक कपल इंटीमेट हो रहा है, वो झांक कर देखती है।
सब लोग इसमें इंटरेस्टेड हो जाते हैं और सब लोग इसे देखते हैं। पार्टी खत्म होती है और सब लोग चले जाते हैं। जेक यही रुकता है। जेक कार्ली से पूछता है, क्या तुम वर्कआउट करती हो? कार्ली कहती है कि मैं सर स्ट्रिक्टली वर्कआउट वगैरह नहीं करती। जेक बोलता है कि एक जिम है जहाँ मैं जाता हूँ, वहाँ तुम भी आ सकती हो। कार्ली कहती है कि जनरली जिम्स में बहुत सारे मिरर्स होते हैं, ये मिरर्स उसे इनसिक्योर फील कराते हैं। जेक कहता है कि वहाँ कोई भी मिरर नहीं है। जेक इंटिमिडेटिंग है तो कार्ली भी इसके लिए मान जाती है। जेक के जाने के बाद हम देखते हैं कि जैक अभी भी कार्ली के ही घर पर है। जैक कार्ली से पूछता है कि तुम ज्यादा बाहर नहीं जाती। वो कार्ली को डिनर पर लेकर जाना चाहता है। कार्ली कहती है कि शायद हम जा सकते हैं। जैक इसे एज ए यस लेता है। एक दिन कार्ली अपने बेसमेंट में क्लोथ वॉश कर रही थी, तभी अचानक से लाइट चली जाती है। वो अंदर बंद होती है और बहुत डर जाती है। वहां जेक पहुंच जाता है, उसे बाहर निकालता है। वो बहुत ही डरी हुई है तो जेक कहता है कि डरो मत, ऐसा कभी कभी होता रहता है। नेक्स्ट डे जेक और कार्ली वर्कआउट के लिए आते है। वो कार्ली को वर्कआउट करने में हेल्प करता है। जेक कार्ली से पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि मेरी एज तुमसे कम है, इसी वजह से हम एक दूसरे के लिए सही नहीं है? कार्ली कहती है कि मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। जेक कहता है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों को भूख लगी है तो जेक कार्ली को अपने घर लेकर आता है। कार्ली जेक की अपार्टमेंट देखती है तो जेक कहता है कि मैं एक वीडियो गेम डेवलपर हूँ, इसलिए हमेशा घर पर ही रहता है। ये दोनों हैंग आउट करते हैं। जेक कार्ली से कहता है कि तुम बहुत ही ब्यूटीफुल हो। उसके करीब आता है और एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं कि जो भी सब कर रहे हैं ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। एक दूसरे के साथ बहुत सारा टाइम बिताने लग जाते हैं। एक दिन से एक कार्ली से कहता है कि तुम्हारा एप्लीकेशन फास्ट अप्रूव हो गया था, ये मेरी वजह से हुआ था। एक्चुअल में ये पूरी बिल्डिंग जेक की ही है। कार्ली ये सुनकर सरप्राइज्ड होती है। जेक कहता है कोई भी मुझे परेशान ना करे, इसलिए ये बात मैं किसी को भी नहीं बताता। कार्ली पूछती है कि जब से मैं मूव हुई हूँ क्या तुम्हारी नजर हमेशा मुझ पर थी? जेक कहता है कि मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट फिट है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम एक रूम देखते हैं जहाँ पर पूरे बिल्डिंग में हर एक आदमी की रिकॉर्डिंग होती है। हमें पता चलता है कि ये रिकॉर्डिंग जेक ही कर रहा है। कार्ली जब काम पर है तो अपने फ्रेंड से बात करती है। उसकी फ्रेंड और जैक ये दोनों वीकेंड पर बाहर गए थे। कार्ली पूछती है क्या तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ, पर उसकी फ्रेंड कहती है कि वो हमेशा तुम्हारे बारे में बातें करता रहा। कार्ली भी अपनी न्यू रिलेशनशिप के बारे में उसके फ्रेंड को कहती है। कार्ली जब घर पहुंचती है तो जेक ने बहुत सारे रोजेस उसके घर में रखे हुए है। घर में जैक भी है। कार्ली उसे देखकर बहुत ही सरप्राइज्ड होती है। वो पूछती है कि तुम अंदर कैसे आए? जैक कहता है कि तुम्हारा डोर ओपन था। कार्ली कहती है कि मेरा डोर मैं कभी भी ओपन नहीं रखती। जैक को मालूम है कि जेक और कार्ली अब एक साथ है। जैक उसे कहता है कि जेक एक अच्छा आदमी नहीं है। नियोमी के साथ भी उसका चक्कर था। नियोमी जेक की वजह से बहुत ही डिस्टर्ब थी। ये चीज उसने अपने साइकोलॉजिस्ट को भी कही थी। वो अमीर है तो उसे लगता है कि वो सब कुछ कर सकता है। क्या उसने तुम्हें बताया कि पूरी बिल्डिंग उसकी ही है? कार्ली कहती है कि हाँ मुझे पता है, और जैक को निकल जाने के लिए कहती है। ये सब जेक देख ही रहा था तो कार्ली को कॉल करता है, उसे डिनर के लिए बाहर लेकर जाना चाहता है। ये रेस्टोरेंट में आते हैं और सब लोगों के सामने ही एक दूसरे से बहुत फ्लर्ट करते हैं। आसपास के लोग ही इन्हें देखकर ऑकवर्ड हो जाते हैं। रात में घर आकर एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। कार्ली बीच रात में ही फिर से अपने अपार्टमेंट में जा रही होती है। जेक कहता है कि तुम यही सो सकती हो, मॉर्निंग में हम ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, ये एक रिलेशनशिप की तरह है। तो कार्ली ये नहीं चाहती। कार्ली कहती है कि मैं हर्ट होने से बहुत डरती हूँ। कार्ली जेक से पूछती है क्या तुम्हारी और नियोमी की कोई रिलेशनशिप थी? जेक कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, एक बार उसने मुझ पर मूव करने की कोशिश की थी पर मैं इंटरेस्टेड नहीं था। जेक को याद आता है और कहता है कि जेक और नियोमी की रिलेशनशिप थी। रात में कार्ली जेक को कॉल करती है। वो एक झूठ कहती है। वो कहती है कि मेरी नेवर मुझसे बात कर रही थी तो उसने कहा कि तुम्हारा और नायोमी का रिलेशनशिप था। जैक और वाइडा को भी कार्ली ने एक साथ देखा है और कार्ली को जैक बहुत ही अजीब लगता है, तो उसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए वाइडा से वो बात करना चाहती है, पर वाइडा बहुत ही बिजी है तो उससे वो बात नहीं कर पाती। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वाइडा जो बेसमेंट में अपनी लॉन्ड्री कर रही होती है तभी उस पर हमला हो जाता है। कार्ली वाइडा की चीखी सुनती है। जब वो नीचे जाती है तब उसके पास जैक है। इस सीन से लगता है कि जैक ने ही वाइडा का मर्डर किया है। जैक को इंटरोगेट करने के लिए पुलिस लेकर जाते हैं। पुलिस उससे कहते हैं कि तुम्हारी बिल्डिंग में दो लड़कियों की डेथ हो चुकी है, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। वाइडा के अपार्टमेंट में जैक की फोटोज थी, यानी कि एक दूसरे की रिलेशनशिप में हो सकते है, ये भी पुलिस को शक जाता है। जैक कहता है कि मुझे फ्रेम किया जा रहा है, ये सब जेक कर रहा होगा। जेक अजीब है ये पुलिस को बताता है, पर पुलिस इस पर बिलीव नहीं करते। कार्ली जैक से बहुत ही डरी हुई है। वो जेक के साथ है। वो जेक को कहती है कि जैक को बेल मिल सकती है।
जैक कहता है कि अगर वो वापस आया तो हमें पता चल जाएगा। कार्ली कहती है कि कैसे पता चलेगा। जैक फिर उसे उसके सीक्रेट रूम में लेकर जाता है जहाँ पर वो सब कुछ रिकॉर्ड करता है। उसे वो सब कुछ दिखाता है और कहता है इस बिल्डिंग में हर एक आदमी को हम देख सकते हैं। जैक की मदर एक टीवी शो करती थी। जैक को देने के लिए उसके पास टाइम नहीं था। वो हमेशा अपनी मदर को टीवी पर ही देखता था। वो बड़ा हो गया, उसकी मदर गुजर जाने के बाद उसकी आदत नहीं गई। सब लोगों के घर में क्या चल रहा है ये उसे देखना अच्छा लगता है। कार्ली ये सब देखकर बहुत ही शॉक होती है। कार्ली फिर इस सिस्टम को पूरी तरीके से जान लेती है। सब लोगों के घर में क्या चल रहा है ये देखने के लिए कार्ली भी बहुत ही क्यूरियस है। वो बहुत घंटों तक यही देखती रहती है। एक स्क्रीन पर वो देखती है तब एक छोटी लड़की को उसके स्टेप फादर मोलेस्ट करते हैं। ये देखकर उसे बहुत ही बुरा लगता है। नेक्स्ट डे ये छोटी लड़की और उसके स्टेप फादर कार्ली से लिफ्ट में मिलते हैं। ये छोटी लड़की कार्ली से कहना चाहती है कि उसके साथ जो हो रहा है गलत हो रहा है, पर वो बोल नहीं पाती। कार्ली को क्या चल रहा है सब कुछ पता है, पर वो डायरेक्टली बोल भी नहीं सकती। वो फिर कॉल करके स्टेप फादर को धमकाती है, अगर फिर से उसने उस लड़की के साथ कुछ भी किया तो उसे मार देगी। इसके बाद स्टेप फादर भी डर गया और उस लड़की से उसने माफी मांगी। ये सब कार्ली ने उस मॉनिटर्स पे देखा। कार्ली जैक से बात करती है, कहती है कि जो भी तुम कर रहे हो इसी वजह से तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पावर आ जाती है, ये सही नहीं है। लोगों की लाइफ प्राइवेट होती है तो ऐसे ही उसे रहने देना चाहिए। जैक कहता है कि जिस तरह से तुमने उस छोटी लड़की को हेल्प की उसी तरह से हम सब लोगों को हेल्प कर सकते है। कार्ली जब घर पर पहुंचती है तो वहां फिर से जैक ऑलरेडी घर पर था। जैक के हाथ में गन भी है। वो कार्ली को जैक को कॉल करने के लिए कहता है। जैक काम कर रहा था तो कार्ली के घर में क्या चल रहा है ये उसने नहीं देखा। वो नीचे आता है तो जैक उस पर भी गन रखता है। वो कहता है कि तुमने ही नायोमी को मारा है, ये तुम एडमिट करो। जैक इस पर मना करता है। जैक कहता है कि जिस तरह से तुम्हारी मदर मरी थी शॉर में से गिरकर, उसी तरह से एलेक्स भी मरा है। तुम ही हो जो सब लोगों को इस बिल्डिंग में मार रहे हो। जैक जैक से कहता है कि तुम्हारे पास नायोमी को मारने के लिए मोटिव था। मैं हमेशा से सब कुछ देख रहा था। इस घर की चाबी नायोमी ने ही तुम्हें दी थी, इसी वजह से हमेशा तुम अंदर आ जाते हो। तुम नायोमी के साथ रिलेशनशिप में थे पर तुम्हें प्रॉब्लम आ चुका था, तुम्हें डिसफंक्शन हुआ था, इसी वजह से नायोमी के साथ तुम कुछ भी कर नहीं पा रहे थे। नायोमी किसी को कुछ भी ना बताए इसलिए तुमने उसे मार डाला। या फिर जैक और जैक में फाइट होती है और इस फाइट में जैक को ही गोली लग जाती है। पुलिस फिर इन दोनों का स्टेटमेंट लेते है। जैक के पास अपार्टमेंट की जो चाबी थी ये भी पुलिस को मिल जाती है। यानी कि अपनी टेस्टिमोनी में कार्ली और जैक ने अभी अभी जो भी सब कहा है ये सब कुछ सही है। पुलिस भी फिर वहां से चले जाते हैं। कार्ली और जैक अब अकेले हैं, तो कार्ली जैक से पूछती है कि हम दोनों इंटीमेट हुए थे, क्या तुमने वो भी रिकॉर्ड किया था। जैक कहता है कि हाँ। कार्ली ये सब देखती है और फिर कहती है कि इसे डिलीट कर दो। जैक इसे डिलीट कर देता है। जैक ने उनकी टेप छुपा कर रखी थी, जहां पर उसने छुपाई थी तो कार्ली कैमरे से वो भी देख लेती है। जैक फिर कार्ली से कहता है कि मुझे जरा भूख लगी है, हम दोनों के लिए मैं कुछ लेकर आता हूँ। जब वो बाहर जाता है तो जैक ने जहाँ पर उनकी टेप छुपा कर रखी थी ये टेप वो ढूंढ लेती है। टेप को जब वो प्ले करती है तब उसे पता चलता है कि नायोमी और जैक इन दोनों में रिलेशनशिप थी। जैक वापस आ जाता है और उसे पता चल जाता है कार्ली को उसकी टेप मिल चुकी है। कार्ली डर कर उस रूम का दरवाजा बंद कर लेती है। जैक उसे डोर ओपन करने के लिए कहता है पर कार्ली नहीं करने वाली। जैक दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाता है। जैक अपनी सफाई में कहता है मेरी उसके साथ जो भी रिलेशनशिप थी उसे कोई मीनिंग नहीं था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हम दोनों में जो है ये वर्ड्स में एक्सप्रेस भी नहीं हो सकता। कार्ली ने जो टेप लगाई थी ये चल ही रही थी। इसी टेप में नायोमी जिस रात मरी थी वो भी रिकॉर्ड हुआ है, उसे किसी ने पुश किया था ये उसमें दिख रहा है। कार्ली इस टेप को जूम करती है और नोटिस करती है कि जैक ही था जिसने नायोमी को मारा था। कार्ली को लग रहा था कि जैक ने नायोमी को मारा था। जैक जैक को फ्रेम करना चाहता था इसलिए सब कुछ कर रहा था। जैक इनोसेंट है पर कार्ली अभी भी गुस्से में है। जैक जो भी सब करता है उसे बहुत ही गलत लगता है। कार्ली के पास एक गन है तो सब स्क्रीन वो फोड़ देती है। इसके बाद रिमोट लेकर सब कुछ मिटा देती है। वो जैक को कहती है कि रियल लाइफ जियो, सही एक्सपीरियंस लो, ये सब गलत है, और वहां से चली जाती है। वो जैक के साथ अब कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती। अगर हम देखें तो जैक एक स्टॉकर टाइप ही कैरेक्टर था, हमेशा से उसकी कार्ली पर नजर थी। कार्ली पहले ही अपने बहुत सारे साल एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में वेस्ट कर चुकी है। जैक के साथ वो अगर रहेगी तो फिर से वही होगा, तो इसी वजह से उसके साथ अब नहीं रहने वाली। यही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाने मत भूलिए। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।